नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर जी प्लस टू हाइट का घर बन रहा है, यानी कि 3 मंजिला का घर बनाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जी प्लस टू हाइट का घर बनाने के लिए, यानी कि 3 मंजिला का घर बनाने के लिए यहाँ पर कॉलम का साइज क्या रखा गया है, कॉलम में कितने mm की स्टील बार का उपयोग किया गया है और कितनी स्टील बार लगाई गई है, और कॉलम को बनाने के लिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट का अनुपात क्या रखा गया है, यानी कि कंक्रीट रेशियो क्या है, और इसके साथ साथ कॉलम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगाई जाती है, इस रिंग को बनाने के लिए कितने mm की स्टील बार का उपयोग किया गया, और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सबसे पहले यदि हम कॉलम के साइज की बात करें तो यहाँ पर 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कॉलम का साइज कुछ इस तरीके से 9 बाई 12 इंच है। कॉलम के साइज के बाद यदि हम स्टील की बात करें तो इस कॉलम को बनाने के लिए 6 स्टील बार का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि 6 स्टील बार इस कॉलम में लगाई गई है। 6 स्टील बार में 4 स्टील बार 16 mm यानी कि 16 mm की है और 2 स्टील बार 12 mm यानी कि 12 mm की है। यदि हम 16 mm स्टील बार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर जो 4 स्टील बार लगी हैं, ये 4 स्टील बार 16 mm की हैं, और आप देख सकते हैं कि मिड में आपको 2 स्टील बार लगी हुई दिख जाएंगी, तो ये दोनों स्टील बार 12 mm की हैं। यदि आपको यह पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, अभी आगे बहुत कुछ सीखने देखने समझने को बाकी है। नेक्स्ट, यदि हम स्टील टाइप की बात करें, यानी कि कॉलम में जो स्टील लगाई गई है या किस टाइप की है, तो आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से Fe 500D टाइप की स्टील लगाई गई है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टील पर Fe 500D लिखा होता है, तो इसी स्टील बार का उपयोग इस कॉलम को बनाने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट, यदि हम रिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम के स्टील में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है, और यहाँ पर रिंग बनाने के लिए 8 mm स्टील बार का उपयोग किया गया है, यानी कि 8 mm स्टील बार से ये रिंग बनाई गई है। और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी की बात करें, आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी रखी जाती है, तो यहाँ पर एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी 20 cm रखी गई है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक रिंग से दूसरे रिंग की जो दूरी है वो 20 cm है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर कॉलम बनाने के लिए किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग किया गया है, तो कॉलम बनाने के लिए M20 यानी कि 1:1.5:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग किया गया है। यदि हम 1:1.5:3 रेशियो की बात करें तो 1 बैग सीमेंट में 1.5 बैग आपका सैंड होगा और 3 बैग आपका कोर्स एग्रीगेट यानी कि गिट्टी होगी, तो इस रेशियो का कंक्रीट जो बनेगा वो M20 कहलाएगा। तो वीडियो छोड़ के अभी मत जाइएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। आप कॉलम को चाहे जितने अच्छे मटेरियल से बना लो, बट कॉलम को 100% मजबूत करने के लिए कॉलम की सही तरीके से क्यूरिंग करना जरूरी है, बट ज़्यादातर लोग कॉलम की क्यूरिंग कुछ इस तरीके से कॉलम को नहला कर देते हैं, यानी कि कॉलम को कुछ इस तरीके से एक बार भिगो देंगे। तो कॉलम की क्यूरिंग करने का यानी कि कॉलम की तराई करने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। तो कॉलम की क्यूरिंग सही ढंग से करने के लिए सिंपली आपको कॉलम को कुछ इस तरीके से जूट के बैग में लपेट देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम को जूट के बैग में लपेट दिया गया है, तो कुछ इसी तरीके से आप भी कॉलम को जूट के बैग में लपेट देंगे। जूट के बैग में लपेटने के बाद आप कुछ इस तरीके से क्यूरिंग करना स्टार्ट करेंगे। यदि आप इस तरीके से क्यूरिंग करते हैं तो आपका कॉलम पर्याप्त मजबूत बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमें क्यूरिंग कितने डेज करनी चाहिए, तो कॉलम की क्यूरिंग आप कम से कम 7 डेज यानी कि 7 दिन तक करिए, बट स्टार्ट के 3 डेज यानी कि स्टार्टिंग के 3 दिन तक आपको 2 बार दिन में क्यूरिंग करनी है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यह बुक फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक इंस्टाग्राम के बायो में है, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसके साथ साथ टेलीग्राम से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।